हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 8th चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन देखेंगे। 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट? नंबर लाइन लिया दोनों तरफ इन्फिनिट तक, 0 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव जाता है, डिनोमिनेटर में तेरे का 4, तो इनको लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। सिमिलरली ये डिस्टेंस हमारा यहाँ तक 1 था, तो लगभग इतना ही लेफ्ट हैंड साइड में हम -1 ले देंगे। लेकिन हमें रिप्रेजेंट क्या करना था? हमें 7/4, तो 7/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने नंबर लाइन पे लिख दिया, एरो लगा के आप इधर 7/4 लिख सकते हो, या बस इसको सर्कल कर सकते हो कि ये 7/4 हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, इतना ईजी है। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट दे रखा है, -5/6 रिप्रेजेंट करना था। ऑफकोर्स नेगेटिव साइड में रिप्रेजेंट करेंगे माइनस को, तो 0 लेफ्ट हैंड साइड में हमारा माइनस होता है, डिनोमिनेटर में 6 था, तो 1/6, -2/6, -3/6 विद इक्वल डिस्टेंस, -4/6, -5/6, -6/6। इतना 1 था -6/6, इधर 1 लिख दिया हमने। ठीक है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाता है हमारा। हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है -5/6, तो -5/6 वाला जो है उसको आप सर्कल कर सकते हो। ये हो गया हमारा -5/6 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। बाकी इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, स्टेटमेंट वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन लिया 0, डिनोमिनेटर में 11 है, तो -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, ओके 11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। सिमिलरली लिखोगे तो -11/11, तो ऐसे दूसरी तरफ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट कौन कौन से करने थे? -2/11, तो ये हो गया हमारा -2/11, -5/11, ये हो गया हमारा -5/11, एंड 9 -9/11, ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा -9/11। तीनों में डिनोमिनेटर एक जैसा था, तो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अलग अलग होता तो अलग अलग पे कर लेते हैं, अगर एक भी पॉसिबल नहीं था तो। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से स्मॉलर लिखना है 5 रैशनल नंबर्स, तो 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 आर, इससे छोटा लिखना है, तो 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3। 0 2 से छोटा लिखना था, ये थोड़ी बताया था कि नेगेटिव ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो आप सिंपल अगर इंटीजर्स भी लिख दोगे तो 2000 ऑल्सो स्मॉलर। अगर किसी को रेशियो में लिखना है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में, अगर हमें ये नहीं लिखना तो 1/2, 1/4, 1/3, उस हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो वो भी आपके सही रहेंगे। तो इसमें आपके इनफाइनेटली मैनी आंसर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सभी को यही आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हमने 5 पूछा था तो हमने 5 लिख दिए। ठीक है, इस हिसाब से आप बाकी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे? हम सबसे पहले करते थे उनका डिनोमिनेटर सेम निकालते थे। डिनोमिनेटर सेम निकालने के लिए उनका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ, आप रफ में भी करके दिखा सकते हो एलसीएम, और या फेयर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं।
एलसीएम किसका डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 आर, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तो -2/5 को 10 बनाना कैसे होगा, -2/5, 5 को 10 बनाया तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बिकम -4/10। नेक्स्ट 1/2 को 10 बनाना किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 × 5 × 5, इट विल बिकम 5/10। तो -4/10 या 5/10 के बीच में क्या 10 रैशनल नंबर्स आते हैं, अगर हम लिखेंगे इट विल बिकम -3, -2, -1, 0, तो नहीं बन पाएंगे 10। तो और करना है तो इसी को एक और आगे मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, आपको दोबारा 10 से करना है तो 10 से कर सकते हो, वो भी सही रहेगा। और आपको लिखना है कितना बड़ा नंबर नहीं लेना, स्मॉलर नंबर ले लेते हैं तो इससे भी कर सकते हो आप, ये भी सही रहेगा। ठीक है, दोनों आंसर सही रहेंगे अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 बना देते डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे, लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक तो इन दोनों में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जिससे डिनोमिनेटर चेंज ना हो। दूसरा, हम अगर एक ही की बात करें तो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बिकम 10/20। नाउ हेंस 10 रैशनल नंबर्स आर, हेंस 10 रैशनल नंबर्स आर, तो ये लिखने की जगह 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, आप ये भी लिख सकते हो हेंस रिक्वायर्ड, हेंस रिक्वायर्ड, या फिर लिख देना हेंस 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर, तो रिक्वायर्ड लिखा हमने आर, इट विल बिकम -7/20, -6/20, -5/20, बिटवीन लिखना है तो -8 नहीं आएगा। सिमिलरली -4/20, -3/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, एंड 3/20 10 रैशनल नंबर से हो गया हमारे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला, जब डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया 10 आ गया, तो हमने इसको जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए, तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों में 10 आ गया, इक्विवेलेंट तो हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेम बना लिया दोनों का डिनोमिनेटर। ठीक है, तो -2/5 इज इक्विवेलेंट ऑफ -4/10, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, -2/5 इज इक्विवेलेंट ऑफ -4/10 आने के बाद हमने जब देखा कि इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स नहीं आ रहे, तो हमने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हमने अभी बताया हम 2 से, 3 से, 4 से, 10 से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके आंसर्स डिफरेंट होंगे लेकिन सभी के आंसर सही होंगे अगर सही किया है तो। थैंक यू।